नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 43,393 नए केस दर्ज किए हैं। इस दौरान 911 कोरोना मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है। नए मामलों के बाद देश में कोरोना का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,07,52,950 पहुँच गया है। केंद्र में मंत्री पद की शपथ लेने के कुछ घंटों बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैकरों ने हैक कर लिया है। उसके बाद हैकर्स ने पीएम मोदी को कोसने वाले सिंधिया के पुराने वीडियो फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिए। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस जूही चावला के व्यवहार पर आपत्ति जताई है। हाई कोर्ट ने उन पर 5G केस की याचिका दायर करने पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इस जुर्माने को जूही ने अभी तक जमा नहीं किया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा है। लगातार इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। कई राज्यों में 100 से ऊपर रेट है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच हैदराबाद के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट डेविड एशकॉल ने दावा किया है कि उन्होंने कारों और बाइक के लिए 5M माइलेज बूस्टर का आविष्कार किया ताकि लोगों को अपने वाहन का माइलेज बढ़ाने में मदद मिल सके। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। घाटी में लगातार आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस दौरान दो जवान भी शहीद हो गए। आतंकियों ने पिछले करीब 24 घंटे में दूसरी बार घुसपैठ की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट के बीच सरकार ने अनलॉक कर दिया है, जिसके बाद हिमाचल में पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भीड़ में कोरोना प्रोटोकॉल का भी जमकर उल्लंघन हो रहा है, जिसके बाद अब प्रशासन ने जागरूकता के साथ सख्ती बढ़ा दी है। मनाली में अब मास्क न लगाने वालों पर फाइन भी लगाया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन फिर सुर्खियों में है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बातचीत के नए प्रस्ताव पर अब राकेश टिकैत का बयान आया है। किसान नेता का कहना है कि वो बिना किसी कंडीशन के बातचीत करना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला ने सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है। YS शर्मिला ने अपनी राजनीतिक पार्टी YSR तेलंगाना पार्टी यानी YSRTP लॉन्च की है। उन्होंने अपने पिता YS राजशेखर रेड्डी की जयंती के अवसर पर पार्टी की शुरुआत की है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि कंपनी ने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई है। व्हाट्सएप ने ये भी कहा है कि कंपनी तब तक ग्राहकों को नई प्राइवेसी पॉलिसी चुनने के लिए मजबूर नहीं करेगी जब तक कि डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता। प्राइवेसी पॉलिसी नहीं मानने वाले ग्राहकों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा को लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव योगी सरकार से ज्यादा अखिलेश यादव पर नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे ना हो पाएगा सड़क पर संघर्ष। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।